हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज संजीव। सो आज एक वर्कआउट वीडियो बनाते हैं, वर्कआउट का छोटा सा टिप। और वर्कआउट है अपने चेस्ट मसल्स के लिए, एंड वर्कआउट है पेक फ्लाइज, पेक डेक, पेक कर्ल्स, व्हाट एवर यू कॉल, जो भी बुलाइए, मशीन वर्कआउट ही रहेगा। सो गाइस, ज़्यादातर लोग सोचते हैं ये पेक डेक जो है ये ईजी वर्कआउट है, वी कैन डू लाइक बैठना है, सिर्फ हैंडल सामने कर देना है। ओके, सो they think like it's easy equipment, but most of the people will involve shoulders, involve ho jate hain, biceps involve ho jate hain, chest kam se kam involve karne lagte hain। so aaj ke video mein main ek chhota sa tip bataunga, ya to you can see better form of this workout, jisse ki aap na ke shoulders aur kuch aur muscles involve kare, jyada se jyada aapke chest involve kare, jisse ki aapko ek acha result mile, kyunki this is you can say one of the बेस्ट वर्कआउट फॉर योर चेस्ट। आपके चेस्ट के लिए बल्क करने हो या डेफिनेशन पे जा रहे हो, फाइबर्स चाहिए चेस्ट पे, ये मशीन आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड इट्स वेरी गुड मशीन, जो एक बिगिनर भी ईजी से यूज़ कर सकता है अगर थोड़ा सा पोस्चर का उसका पता हो। चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, विल स्टार्ट द वर्कआउट। इस वर्कआउट के लिए क्या चाहिए हमें, मशीन, पिक डेक और पिक कर्ल मशीन। हाँ, हैंडल्स जो है फर्स्ट लेवल पे डालिए गाइस। और हाँ, इस मशीन का मैंने प्रीवियस वीडियो भी एक बनाया है, पर मैंने सोचा मैंने बहुत सारे चीजें उसमें मिस कर दिए जो आपको यूजफुल थे, सो आई थॉट आई एम गोइंग अगेन। सो हैंडल्स फर्स्ट लेवल पे डालिए, ज्यादा पीछे मत बता, देयर विल बी चांसेस लाइक आपके हाथ ज्यादा पीछे जाएंगे और शोल्डर इन्वॉल्व हो जाएंगे। सेकेंड थिंग, आपका सीट मैक्सिमम लेवल ऊपर कर दीजिए। अब इसमें कॉमन जो लोग करते हैं वर्कआउट, मैं बताऊँ वो बिल्कुल ऐसा रखते हैं, हाथ एकदम स्टील रखते हैं और अपने शोल्डर्स पे चले और सामने जब लाते दे विल ऐड दिस मोमेंट और हाथ एकदम ऊपर। इसे देखिएगा, यू कैन डू एंड सी इन योर जिम, यू कैन ट्राई। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके एंटीरियर जो शोल्डर रहेगा, एंटीरियर डेल्स, वो ज़्यादा इन्वॉल्व होएगा, ना कि आपका चेस्ट। सो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका पोस्चर चेस्ट कैसे इन्वॉल्व करना है, सिंपल ये एक आइटम है। आप खड़े हो के हाथों को नीचे, तो आप देखिए मेरा हाथ जो है मेरे शोल्डर के लेवल में रहेगा, नीचे रहेगा। यू कैन डू लाइक दिस, अगर खड़े होके कर रहे हो यू कैन डू लाइक दिस, जस्ट उठा के रखिए। और यहाँ पे ऐसा नहीं लाना है, आपके शोल्डर फ्रंट नहीं लाना, कीप द चेस्ट अप हियर। नहीं, आपको बाइट के करना है गाइस, खड़े होने में आपको दिक्कत हो रहा है। सो जब क्या कर सकते हैं आप, जब सीट होता है सीट पे एक एक्स्ट्रा सीट ऐड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कुशन हाइट के लिए। अगर कुशन अवेलेबल नहीं है वो फॉर प्लेट्स, आप प्लेट्स पे बैठ जाइए। और हाँ, वेट जैसा मैं हमेशा कर कहता हूँ, मैनेजेबल वेट, एकदम हेवी मत चले जाइए स्टार्टिंग में। मूव यू कैन सी मेरा मूवमेंट, देखिए हाथ जो है बिल्कुल शोल्डर लेवल से नीचे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका चेस्ट कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ना कि आपके शोल्डर। सो आई विल ट्राई टू शो यू लाइक शर्टलेस। सो गाइस देखिए, विदाउट शर्ट यू कैन सी माय चेस्ट मसल्स इन्वॉल्वमेंट, मेरा रिस्ट मेरे शोल्डर लेवल से नीचे है, जिससे आई कैन फील मोर एंड मोर कॉन्ट्रैक्ट। और पीछे जब जा रहा है यू कैन बेंड योर एल्बोस लिटिल बिट, कैन स्क्वीज फॉर सम एंड लिव। स्क्वीज करने के लिए सामने आके थोड़ी देर रोक दीजिए, 2-3 seconds, एंड यू कैन रिलीज एंड कीप कंप्लीट टेंशन ऑन योर चेस्ट। सो गाइस, ये था छोटा सा टिप अपने पेक्टोरल्स के लिए, ऐड करिए वर्कआउट जैसा मैं बताया, वो फॉर्म यूज करके देखिए और कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करिए। वीडियो अगर पसंद आया तो क्या करना है, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत। So guys, stay natural, stay healthy,
stay fit. Bye.